हेलो बच्चों, सेवन्थ क्लास। अब आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। अभी आज आपकी सेकंड वीडियो है, आपका सेकंड टॉपिक इस लेसन का, रॉक्स एंड मिनरल्स। बच्चों, होप आप वीडियो देख रहे होंगे, और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हम फालतू में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। हमें पता है आप में से 1 और 2 बच्चे ही मुश्किल से वीडियो देख रहे हैं, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं। सब बच्चे वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो हमें बता दीजिए, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख के भेज दें। सब बच्चे सीरियस हो जाएं अपनी पढ़ाई के लिए। आज हम आपका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक मीन्स क्या होता है बच्चों? चट्टान। क्या होता है? चट्टान। तो आज हम टाइप्स पढ़ेंगे चट्टान के, टाइप रॉक्स के टाइप। तो बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं रॉक, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो फर्स्ट है आपकी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बच्चों, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बनती है और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अब ये बच्चों बनती कैसे इग्नियस रॉक? आपने ज्वालामुखी सुना होगा। ज्वालामुखी में क्या होता है? उसमें आग लगती है ना, और उसमें से एक द्रव निकलता है। और ज्वालामुखी जलता कहाँ है? अर्थ के नीचे। ठीक, जो उसमें से लावा निकलता है उससे इग्नियस रॉक बनती हैं। अब इग्नियस रॉक भी 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक यानी कि जो अर्थ के अंदर ही रॉक बन जाती हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी होती हैं? जो अर्थ से बाहर निकल कर, यानी कि अर्थ पे बाहर निकलती है, जो ज्वालामुखी का लावा है और जो बाहर बनती हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्सिव रॉक, जो कहाँ बनती हैं? पृथ्वी के अंदर बनती हैं। कैसे बनती हैं बच्चों? जब ज्वालामुखी में आग निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? जो उसमें से एक द्रव चिपचिपा काला और जलता हुआ गाढ़ा सा जो द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो उसको बोलते हैं लावा, LAVA। जब ये इसके लावा के निकलने से जो हॉट मोल्टन मैटर होता है, इसके निकलने से जो ये खट्टा होता रहता है, निकलता रहेगा इसमें से, निकलता रहेगा तो क्या बन जाएगा? इसके ऊपर ये निकलता रहेगा ऐसे करके तो क्या बन जाएगा? एक रॉक बन जाएगा। ठीक, अगर ये पृथ्वी के अंदर बनता है तो इसको इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये लावा जो है, अगर ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है निकल के, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ये क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है, MEGMA। मैग्मा बन जाएगा, बाहर आ गया ये अर्थ की क्रस्ट पे, तो मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा इकट्ठा होके, ठंडा होके क्या होगा? एक रॉक बना लेगा, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द हॉट मॉल्टन मैटर कॉल्ड मैग्मा। यानी कि जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के बाहर आ जाता है लावा, तो मैग्मा बोलते हैं उसको। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, पहले तो गर्म होता है वो, लेकिन जब वो पिघला हुआ जो गर्म है मैटर है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे हमारी इग्नियस रॉक बनती है। ठीक है, और इसके इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया ग्रेनाइट, फिर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है बेसॉल्ट। ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं। ठीक, अब फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब जो हमारे इग्नियस रॉक हैं, उन्हीं से ही हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। कैसे? जब रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। मतलब क्या होता है? इग्नियस रॉक है वो, मानो उस पर क्या हीट पड़ी, गर्मी पड़ी, वो चटकने लगी, उसके चटकेगी तो फिर वो टूट, हवा चलेगी, बारिश आएगी तो टूटेंगे, और जो टूटेंगे तो उसी से क्या सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। दी स्मॉल पार्टिकल्स आकार सेडिमेंट्स, दिस सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोर्टेड बाई वाटर ETC। दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंपोज एंड हार्डन टू फ्रॉम लेयर टू रॉक्स
दीज टाइप्स ऑफ रॉक आर सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं यही जो एयर वाटर के थ्रू जो है दूसरी जगह जाके इकट्ठे हो जाएंगे, उससे भी रॉक बन जाएगी, तो उसी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चों? आपके जो है लैंड स्टोन हैं और लाइम स्टोन हैं, क्ले और कोल है, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। आपको ये नेम लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सी जो है स्टोन किस रॉक के एग्जाम्पल हैं। फिर आपका लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बनते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। समटाइम्स इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज्ड ओनिंग टू द ग्रेट हीट प्रेशर, सच रॉक्स दस बिकम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक, दे आर मेटामॉर्फिक रॉक। बच्चों जब जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हीट और प्रेशर से चेंज हो जाकर जो है अपना रूप चेंज कर लेते हैं तो उसी को ही मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या है? स्लैट, मार्बल। जो स्लैट है बच्चों वो किससे? क्ले से चेंज होकर बना है, इनकी क्ले किसका एग्जांपल है? इग्नियस रॉक का, ठीक। फिर जो है मार्बल बना है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है ये किससे? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसका था एग्जांपल? आपका ऊपर था, सॉरी, क्ले और लाइमस्टोन दोनों सेडिमेंट्री रॉक हैं तो इससे मार्बल बना है लाइमस्टोन से। अब ग्रेफाइट है ये कोल से चेंज होके बना है। ग्नीस है जो ग्रेनाइट से चेंज होके बना है। ये सब किसके एग्जांपल है? आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। ये आपको नेम लर्न करने होंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है तो आपकी रॉक्स आपने कितने टाइप्स की पढ़ी? थ्री टाइप्स की पढ़ी हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी रॉक्स इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की हैं, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने नेम भी याद करे होंगे। इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट है और बेसॉल्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल कौन कौन है? लाइमस्टोन, क्ले, कोल। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल क्या क्या है? स्लेट, ग्रेफाइट, मार्बल, ग्रेनीस, ये सब एक्सेट्रा। फिर आपके हैं रॉक सर्कल। बच्चों रॉक सर्कल आपको ही पता ही चल गया है, मैंने आपको बताया। देखो सॉरी, देखो ये हमें सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या? मैग्मा। हम अर्थ के क्रस्ट की बात कर रहे हैं, मैग्मा है। मैग्मा से क्या बनेगा? इग्नियस रॉक्स बनेंगे, ठीक है। इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो फिर से चेंज होंगे, किससे? उस पर भी हीट प्रेशर बनेगा, है ना, उससे वो भी फिर किसमें? मैग्मा में चेंज हो जाएगा। ये बच्चों आपका रॉक सर्कल है, ठीक। अब जो है इसमें कुछ जो इग्नियस रॉक्स हैं वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या से क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स बन जाते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और फिर जो है जो आपके ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं डायरेक्ट मैग्मा ही बन जाता है। तो आपका ये रॉक सर्कल है। फिर हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे बच्चों आपके रॉक्स जो है यूज़ किस किस में आते हैं बताइए मुझे ज़रा। रॉक्स से हम क्या क्या बनाते हैं? रॉक्स से रोड बनते हैं बच्चों, हाउसेस घर बनते हैं, और क्या बिल्डिंग्स बनती हैं। और जैसा आप जानते हैं रेड स्टोन से क्या बना है? हमारा जो रेड फोर्ट है, लाल किला है दिल्ली में, वो हमारा रेड सैंड स्टोन से बना है। और जो ताजमहल है वो माइट मार्बल से बना हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स खनिज। अब बच्चों जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे धरती के अर्थ के अंदर इंटीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं मिनरल्स हमारे। इनकी क्या है? हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि इनको कम समय में नहीं बनाया जा सकता है ना। इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाती हैं, कम से कम 20-30 साल मान लो, तो इसमें बनने में बहुत टाइम लगता है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं तो इसीलिए इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज़्यादा है। इनको मिनरल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, मेटेलिक। मेटेलिक है फर्स्ट टाइप, सेकेंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो यानी कि जो हमें ठोस अवस्था में मिलते हैं, जो मिनरल्स ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना,
जो जो क्या होते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं, वो होते हैं हमारे मेटेलिक मिनरल्स। फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम, ये सब क्या हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। इनको क्या होता है, इनको पिघला कर, इनकी मेल्ट करके इनको हम वायर या शीट में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है ना सिल्वर के क्या हमारे ज्वेलरी बनती है और वायर भी बनते हैं तार, ऐसी क्या कॉपर के भी बनते हैं और ऐसी एल्युमिनियम के भी। तो हम इनको पिघलाया जा सकता है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको निकालने के बाद इनको हम मेल्ट करके पिघला कर इनको हम वायर शीट में चेंज कर सकते हैं। आयरन किस लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, आयरन से क्या बनता है, हमारे टूल्स बनते हैं ना। जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो हमारे मेटेलिक हैं, और जो हमारे लिक्विड फॉर्म जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है। तो आयरन से क्या बनते हैं, हमारे टूल्स बनते हैं, क्या बिग मशीन बनती हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती हैं। तो हमारी निकलते कहाँ से हैं, हमारी ओर से, खान से निकलते हैं सब चीज़ें। फिर हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे जो मेटेलिक थे वो तो सॉलिड फॉर्म में थे, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। लिक्विड फॉर्म में जैसे क्या हमारे जो है पेट्रोलियम है, डीजल है, कोल, कोल भी इसका एग्जांपल है नॉन मेटेलिक का। तो इसके ये हमारे किसके होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं जैसे क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, ये सब नॉन मेटेलिक मटेरियल हैं। इनको हम मेल्ट नहीं कर सकते, पिघला नहीं सकते हैं ना, हम क्ले को, सल्फर को इनको नहीं पिघला सकते, मेल्ट नहीं कर सकते ना, इनसे वायर शीट बन सकती हैं। सल्फर का यूज़ किस लिए होता है, मेडिसिन बनाने में होता है। और कोल और पेट्रोलियम तो आप जानते हैं, कोल मीन्स होता है कोयला, पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल। पेट्रोलियम से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, ग्रीस, वैसलीन, ये सब चीज़ें बनती हैं पेट्रोलियम से, हाँ। तो ये सब किसके सोर्स है हमारे कोल और पेट्रोलियम, एनर्जी के, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, हम इनसे मशीन्स वगैरह को एनर्जी मिलती है और आग जलाने के काम आते हैं। तो हमें पता पड़ा जो हमारे जो मिनरल्स हैं और जो रॉक्स हैं ये सब क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं। बच्चों का पेट्रोलियम या कोल नहीं होगा तो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमें इनका यूज़ कैसे करना चाहिए, जुडिशली करना चाहिए, इनकी न्याय के साथ करना चाहिए, इनको हमें ज़्यादा कंजर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको हम दोबारा से पैदा नहीं कर सकते हैं, है ना। और हमें फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखने चाहिए, एंड ट्राई टू कंजर्व दैम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है बच्चों। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप हर वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता ही होगा चैप्टर के अंदर था क्या, है ना। क्लास में तो आप एक ही बार सुन सकते हैं जो टीचर बता रहा है, लेकिन आप वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप उसको बार बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ायदा हो रहा है। तो आप सब बच्चे वीडियो देखें, हमें पता चल जाएगा यूट्यूब पे कि व्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हमें आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा है इतना टाइम लगा के वीडियो बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर का वर्क भेज दूँगी, तो आप इतने इसको पढ़िए। थैंक यू।